हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके 78,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी न्यूज और उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे आपके लिए न्यूज लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके लिए जानने वाली न्यूज है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गुणांक 65 है, 66 है, 67, 68, 69, 70 है, 71, 72 तक के नहीं बच्चे हुए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 60, 61, 62 पे भी हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारे स्पेशल कैटेगरी के तो नहीं हो सकते। इतने बच्चे एक ही रेंडमली, मैं तो ये कहूंगा कि एक लिस्ट उनकी बनाई जाए तो कह सकता हूँ, लेकिन एक ही जगह पे इतने बच्चे मिलना ऐसा असंभव भी होता है और मुश्किल भी होता है, और सारे बच्चे बाहर निकाल दिए जाएंगे ऐसा भी मुश्किल होता है। तो देखिए किस कार्ड से बाहर निकाले गए हैं, ये बात करेंगे। बात दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो कम गुणांक देखेंगे कितना कम गया है, और दूसरा ऐसा क्या संभव है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा संभव है, इतना कम गुणांक पे हो सकता है क्या? आपका इससे भी गुणांक कम था? अगर आपका इससे कम गुणांक था तो हमें जरूर बताइएगा, अगर नहीं था तो भी बताइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक गुणांक देख रहे होंगे आप, 61.19, ये बाहर क्यों आ गया? क्योंकि इनके कागज यानी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, वैलिड नहीं थे, इसलिए ये चीज बाहर आई। दूसरा, इनके नाम में दिक्कत थी, ये देखो निवास प्रमाण पत्र 28/1/2019 का निर्गत था, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा इनके नाम में दिक्कत थी इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। इनका गुणांक देखिए 61.04, और ये देखिए 60.18 पे भी हुआ है, ये मथुरा की बात है और ये गाजियाबाद का इन्होंने डोमिसाइल दिया हुआ था। चलिए अगली एक और बात करता हूं मैं, नेक्स्ट। इसमें एक नहीं सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं। अब देखिए वहां से थोड़ा से ऊपर जब आप उठेंगे तो देखिए 64.93 पे हुआ है, 64.77 पर, 64.75, 64.59, 64.53, 64.49, 64.49, 64.43 पे भी हुआ है। देखिए इनके निवास प्रमाण पत्र में दिक्कत थी, यहाँ पर इनका अंक पत्र क्रमांक में दिक्कत थी, देखिए इनके नाम में दिक्कत थी। देखिए ये चीजें आपको सामने आ रही हैं, तो हर चीज आप देख रहे हो। तो अगला एक और लेके आते हैं, हमें आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम गुणांक वाले हैं। आगे देखिए अगला है 65.53, 65.39, 65.37, 65.26, 65.15 और 65.11, 65.03, 64.94, और इनके निवास प्रमाण पत्र के कारण, निवास प्रमाण पत्र के कारण यूपी टेट 2017 का था, इसके 12 अंक की दिक्कत है, आवेदन पत्र में त्रुटि है, मतलब यानी विसंगति है, जाति निवास प्रमाण पत्र इनके कारण इनको देखो निकाला गया है, निवास प्रमाण पत्र के कारण। और ऐसा नहीं है ये सारे एससी के ही हैं, तो एससी में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है इतने पर भी। ये देखो आगरा का इन्होंने दिया है, ये मथुरा में इन्होंने लिया है, लेकिन डोमिसाइल कहाँ का दिया है? आगरा का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला दिखा रहे हैं 67.07 पे हुआ है, 66.84, 66.83, 66.74, 66.68, 66.59, 66.47, 66.44। ठीक है, यहाँ ओबीसी के भी हैं, एससी के भी कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एससी के कैंडिडेटों का भी इतने पे नहीं हुआ है जितना यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इनमें भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी निवास की दिक्कत थी, इन्हें जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत थी, यानी आवेदन पत्र में त्रुटि थी। चलिए और आगे और दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देख रहे होंगे 68.39, ठीक है, ओबीसी 68.38, ओबीसी 68.36, ओबीसी 68.331, और ओबीसी 68.23, एससी 66.46, एससी 67.35। देखिए ये कट ऑफ गए, स्नातक में, निवास प्रमाण पत्र में, जाति निवास प्रमाण पत्र में, इंटर में दिक्कत, हाई स्कूल निवास जाति में दिक्कत आपने देखा। चलिए और दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए 68.58, 68.57, 68.55, ऐसा नहीं है ये एससी हैं, ये देखिए ओबीसी में गया है। क्या ओबीसी में आपका इतना नहीं है? 60.51 और ये 68.51, ओबीसी में 68.5, ओबीसी में 68.46, ओबीसी में 68.4। देखिए इनके भी हाई स्कूल में दिक्कत है, ये देखिए इंटर कॉलेज में, इंटर में इनकी दिक्कत है, इनके हाई स्कूल में दिक्कत है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ओबीसी कितना 69.2124, ओबीसी 69.22, ओबीसी 69.20, ओबीसी 69.13, ओबीसी एससी का कितना 69.1, ओबीसी 69.09, ओबीसी 68.6, ओबीसी 64.68.86। तो आपने देखा मूल प्रमाण पत्र में दिक्कत है, निवास प्रमाण पत्र में दिक्कत है, यहाँ पिता के नाम में दिक्कत है, देखिए हर किसी चीज पे निकाल रहे हैं। तो आपने एक चीज देखी, इतने सारे अभी और भी हैं, आपको कितने दिखाऊं, लेकिन आपसे एक इतने से एक ओवरव्यू लग गया होगा कि जिस 69,000 शिक्षक वर्दी में
कहीं कहीं कितने कितने हैवी मेरिट के लोग पड़े हुए हैं, उनका नियुक्त पत्र नहीं दिया गया है और कम कम मेरिट वालों को मिल चुका है। और यहाँ पे ये इन्हें दिक्कत इसलिए आई है, अगर ये नहीं आती तो आपको भी नहीं पता चलता, इनके प्रमाण पत्रों में दिक्कत थी इसलिए ये चीज बाहर आ सकी है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम अगली वीडियो में। आपको कोई प्रमाण पत्र में दिक्कत है तो उसके लिए परेशान ना हो, क्या करना है कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में।